Dear friends, this is Nishant Rastogi and you are watching CNRI. आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ क्लोराइड्स ऑफ एल्कली मेटल्स फॉलो द ऑर्डर। क्षारीय धातुओं के क्लोराइडों के ऊष्मीय स्थायित्व का क्रम क्या है? देखिए, अब थर्मल स्टेबिलिटी की बात पहले यहाँ पर समझेंगे। तो देखिए, थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब जो होता है वो ये होता है, हीटिंग इफेक्ट। आपने क्या किया, कोई मेटल क्लोराइड लिया और उसको यहाँ पर हीट किया, और हीट करने पर आपने देखा कि भाई कितनी टेम्परेचर पे ये टूट रहा है, और जब वो टूट रहा है तो वो उसकी कहलाती क्या, थर्मल स्टेबिलिटी कहलाती है, उसका ऊष्मीय स्थायित्व कहलाता है। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि भाई आपको ऑर्डर बताना है, तो एल्कली मेटल है। अब एल्कली मेटल आपको दिया है, लिथियम दिया है, के बाद सोडियम दिया है, के बाद में पोटेशियम दिया, फिर रुबिडियम दिया, फिर सीजियम दिया। तो लिथियम का साइज छोटा है और सीजियम का साइज जो है वो क्या है, बड़ा है, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है, रेडियस जो होती है वो क्या होती है, बढ़ती जाती है, साइज बढ़ता जाता है। अब एक बात आप ज़रा सोचो कि क्लोराइड आयन भी जो होता है ये कैसा लार्ज साइज का होता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि आप फजान रूल के हिसाब से थर्मल स्टेबिलिटी को देखते हो, कि अगर लार्ज कैटायन है और लार्ज एनायन है, लार्ज कैटायन और लार्ज एनायन है, तो उस केस में इनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। स्मॉल कैटायन है, स्मॉल एनायन है, तो बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। लेकिन अगर स्मॉल कैटायन है और लार्ज एनायन है तो वीक बॉन्ड बनेगा, या लार्ज कैटायन है और स्मॉल एनायन है तो वीक बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आप बात समझो कि जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा कैटायन का, वैसे वैसे इसकी स्ट्रॉन्गनेस जो होगी उसके साथ क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि क्लोराइड का जो होता है और सीजियम आयन का कंपेरेबल साइज होता है लगभग। बात समझ में आई ना। तो यहाँ पर उस हिसाब से हम देखें तो CaCl जो होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल, और LiCl जो होगा सबसे कम स्टेबल होगा। उस हिसाब से आंसर हमारे पास थर्ड जो होगा करेक्ट हो जाएगा। तो CaCl ग्रेटर देन RBCl, ग्रेटर देन KCl, ग्रेटर देन NaCl, ग्रेटर देन LiCl। बाकी बीच में देखें तो बीच से उठाए गए हैं, देखिए या तो ये थर्ड सही होगा या फिर फर्स्ट सही होगा। आप सोचोगे सर LiCl ज़्यादा स्ट्रांग होगा और CaCl कैसा वीक होगा, बात समझ में आई ना, या फिर CaCl ज़्यादा स्टेबल होगा और LiCl कैसा होगा, वीक होगा। बीच में जैसे KCl उठा लिया गया पहले यहाँ पर, CaCl के बाद NaCl कर दिया गया, तो ये आप सोच के ही जो है वो उसको हटा दोगे, क्योंकि इनमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, बात समझ में आई ना। तो इसलिए ये यहाँ पर सिक्वेंस होगा वो या तो Li से CaCl से होगा या फिर CaCl से Li होगा। तो अब आपको समझ में आ गया कि एक्चुअल लार्ज साइज होने की वजह से क्लोराइड और सीजियम आयन का जो होता है बॉन्ड वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और उस वजह से जो है वो CaCl ज्यादा स्टेबल होता है देन LiCl, ठीक है ना।